बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वहीद अलियास और आप मुझे देख रहे हैं FM 4 के टीवी के प्रोग्राम शाने पाकिस्तान में। और शाने पाकिस्तान प्रोग्राम का एक खासा रहा है कि हमने हमेशा ये कोशिश किया कि आपके सामने उन लोगों को बुलाया जाए कि जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा नाम पैदा किए हैं और अपनी मेहनत की वजह से उनको लोग जानते हैं। आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है जनाब तंजीर भट्ट साहब। तंजीर भट्ट साहब का ताल्लुक गुजरांवाला से है और उभरते हुए स्टार्स हैं, और हम तंजीर भट्ट साहब से पूछेंगे बहुत सारे सवाल, और आप प्रोग्राम को देखते रहिएगा ताकि आने वाले नए जो यंगस्टर बॉडी बिल्डर हैं उनको कुछ सीखने का मौका मिले। जी तंजीर भट्ट साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। और सेहत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बड़ा वेलकम आपको, बड़ा शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम निकाला। तंजीर भट्ट साहब, आप ये बताएं कि आपने ये बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की है, आपने किस उम्र से स्टार्ट की है और आपके क्या प्लान हैं? मैंने जो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की है भाईजान, वो तकरीबन 14 साल की उम्र में स्टार्ट की है जी। तो अब जो नेक्स्ट मेरा प्लान है वो स्लो स्लो ही है। पहले जो है मिस्टर पंजाब का है, फिर मिस्टर पाकिस्तान का है, तो इसी तरह फिर इंसान मेहनत करता है तो नेक्स्ट स्टेप पर जाता जाता है जी। तंजीर भैया, आपके पास तो ये बताएं कि जब आपने एक्सरसाइज शुरू की थी, आपकी उम्र जैसे आपने बताया 14 साल थी, तो जब 14 साल की उम्र में आपने एक्सरसाइज की थी, जाहिर आप 9th-10th क्लास में पढ़ते हो जी, बिल्कुल। तो उस वक्त आपको क्या क्या मुश्किलात दरपेश आई जिनको आपने कवर किया? मुश्किलात तो तकरीबन कोई भी नहीं पेश आई, लगा लें कि घर में खाना पीना अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। तो मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक था जी, तो मैं 9th क्लास में था तब, तो बहुत शौक था, तो मैंने कहा कि मैंने जिम जाना है, तो घर वालों ने इजाज़त दे दी जिम जाएं। फिर कुछ टाइम जो है स्टडी डिस्टर्ब होती थी, कुछ टाइम स्टडी नहीं थी डिस्टर्ब होती, क्योंकि जिम का जो है वो अलग टाइम होता है, स्टडी उसी टाइम, स्टडी भी जिम भी, फिर वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। सुबह और शाम आप एक्सरसाइज करते थे या एक टाइम करते थे? सम टाइम कभी सुबह करता था और सम टाइम जो है कभी शाम में। सही। तो आप आने वाले नए लड़कों को ये बताएं कि आप एक्सरसाइज जो है वो सुबह की ठीक होती है या शाम की ठीक होती है? मॉर्निंग टाइम जो होता है वो भी ठीक है, बेसिकली जो है वो जो मसल एक्टिविटी होती है वो होती है इवनिंग टाइम। मॉर्निंग टाइम मसल आप उठे हैं, बॉडी रिलैक्स नहीं होती, वो खाना पीना जो डाइट होती है वो प्रॉपर नहीं चलती होती। शाम टाइम आप अपनी बॉडी की जो डाइट होती है वो प्रॉपर कर लेते हैं। तो उसके अलावा फिर जो मेरे ख्याल से है जो इवनिंग टाइम 4 बजे या 5 बजे तब तक आपकी डाइट, आपकी बॉडी जो है ना वो स्टेबल कर लेती है पावर को, फिर जो है ट्रेनिंग अच्छी लगती है। तंजीर भैया, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 29 साल है। 29 ईयर जी। आपको इसका मतलब 15 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए? जी बिल्कुल। आप ये बताएंगे 15 सालों में आपने आपके जाहिर है दोस्त और आप जो आपके आइडियल्स हैं जी जी, उनको आपने देखा, उतार चढ़ाव देखा उनकी जिंदगी में जी जी। आपने बॉडी बिल्डिंग से क्या सीखा? आपको बॉडी बिल्डिंग में अल्लाह तआला ने इज्जत दी या आपकी शोहरत में इजाफा हुआ, वो जरा विवत को बताएं। बॉडी बिल्डिंग में जो है ना माशाल्लाह, मैं तकरीबन 14-15 साल से जो है मेहनत करता आ रहा हूँ, तो उसके अलावा जो है वो मैंने बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर के साथ भी ट्रेनिंग की है, बहुत से जो अपने दोस्त हैं उनके साथ भी ट्रेनिंग की है। पर जो है बॉडी बिल्डिंग को एज जो है ना वो फिटनेस के तौर पर इंसान को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ लोग होते हैं कि आते हैं फिटनेस के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, खाना पीना ये वो, मतलब इसी हद तक बॉडी बिल्डिंग को ज़्यादातर रखना चाहिए। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग में बेसिक जो चीज़ें जो आप खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो जरा भी उसको बताएं ताकि आने वाले नौजवान जो है वो कुछ सीख सकें, और आपको देखते हैं माशाल्लाह आप माशाल्लाह बड़े फिट हैं, तो ताकि उन्हें कोई कुछ पता चले कि हमने ये खाना। आई थिंक मेरे ख्याल से जो कुछ होते हैं मतलब पैसे वाले बॉडी बिल्डर होते हैं, कुछ होते हैं नॉर्मल बॉडी बिल्डर। जो पैसे वाले होते हैं वो तो प्रॉपर डाइट होता है, सुबह उठना एग ब्रेड के स्लाइस कॉफी, और दोपहर में जो है वो चिकन दलिया वगैरह, मतलब ये आपके कहने का मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो लेते हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जो होता है नॉर्मल जो होता है वो चिकन राइस और एग जो है वो हर नॉर्मल बॉडी बिल्डर यूज़ करता है जी। अच्छा जी भट्ट साहब, अब ये बताएं कि आपको जो कार्ब्स जो हैं और मल्टीविटामिन जो प्रोटीन है वो किन किन चीज़ों से मिलते हैं, जो उससे हेल्प आउट करते हैं? कार्ब जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं चावल से, वाइट राइस से जी। और जो विटामिन हैं वो हमें मिलते हैं मल्टीविटामिन होते हैं जो, वो मिलते हैं फ्रूट से, फल से जी। और जो हमें मिलता है प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन मिलता है हमें चिकन से और बीफ से जी। अच्छा, इसका मतलब है कि आप बीफ और चिकन जो है और वाइट राइस जो है आप ज़्यादा फोकस करते हैं जी, बेसिकली उससे आपके बॉडी की डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती जी, है जी। अच्छा, आप ये बताएं कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप लाइट वेट से करते हैं या हैवी वेट से करते हैं? जो है स्टार्टिंग तो वार्म अप करना है ना वो लाइट करते हैं, उसके बाद जो है जो 1 रैप वो जरा लाइट, उसके बाद जो दूसरा है वो जरा हार्ड, तीसरा और हार्ड, जो चौथा है वो और हार्ड, मतलब के 4 रैप करने हैं तो उसको
वेट को ज्यादा 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 करना। अच्छा, आपका गोल क्या है कि आप क्या बनना चाहते हैं? गोल तो तकरीबन हर बॉडी बिल्डर का जो मेहनत करता है वो यही कहता है कि मेहनत करे, उसका जो है पाकिस्तान में नाम हो, पाकिस्तान के लिए नाम हो। तकरीबन हर हर इंसान यही चाहेगा जो भी जिम करता है। मैं भी यही चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि हमारा भी पाकिस्तान में नाम हो और पाकिस्तान के लिए नाम हो इंशाल्लाह, और पाकिस्तान से बाहर भी नाम हो इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपका कौन सा जो बॉडी बिल्डर है जो आपका आइडियल है, जिसको आपने देख के एक्सरसाइज शुरू की? बेसिकली तो ज्यादातर जो है वो रोनी कोलमैन और आनंद को देख के स्टार्ट की थी, तो अभी तक भी आइडल वो ही हैं। अब बहुत से बॉडी बिल्डर तो और भी आ गए हैं। अच्छा, रोनी कोलमैन और आर्नल्ड जो है वो आपके आइडियल बॉडी बिल्डर? जी जी। अच्छा, अब आप वीवर्स को और नए आने वाले बॉडी बिल्डर को ये बताएं कि आप जब एक्सरसाइज करते थे, जी, जब आप यंग थे, जी जी, तब जो इन्वायरमेंट थी, ये बॉडी बिल्डिंग जो सामान है आजकल, एक्सरसाइज की मशीनरी जो है वो इतनी जो है वो इस लिहाज से इतनी जो क्या कहते हैं कि एडवांस थी, या उस वक्त सीधे बेंच और जो बिल्कुल मैनुअल मशीनरी होती थी और फैसिलिटीज जो है वो इतनी ज़्यादा थी या कम थी? नहीं, तब तो होते थे सीधे बेंच होते थे, डंबल्स वगैरह होते थे, तो रॉड्स वगैरह, बारबेल वगैरह। अब तो बहुत सी मशीनें आ गई हैं, लेग की लग गया, शोल्डर की लग गया, और बैक की लग गया, बाइसेप की जो है मशीनें, केबल्स लग आ गई हैं। अब तो बहुत सी जो है ना फैसिलिटी मिल गई है। अच्छा, पाकिस्तान में आपका कोच जो है सबसे फेवरेट कोच है वो कौन है, और आपका कोच कौन है? पाकिस्तान में जो हमारा फेवरेट कोच उस्ताद लियास है। उस्ताद लियास साहब और बड़ा, बहुत बड़ा नाम है जी, और आज भी हम उनसे ही ट्रेनिंग करते हैं। आज भी उनसे मुलाकात हुई थी, तो आज भी वो कह रहे थे सुनाओ, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, आपके वो कोच हैं जी उस्ताद लियास साहब। नाजरीन, तंजील भट्ट साहब से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, और एक एंड में आप एक सवाल पूछते हैं नए आने वाले यंगस्टर बॉडी बिल्डर्स के लिए। भट्ट साहब, आप ये बताएं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के फौरन बाद आप लिक्विड यूज़ करते हैं या कोई कोई ठोस चीज़ यूज़ करते हैं जिससे आपको जो रिकवरी जो बहुत ज़्यादा जल्दी? मैं बेसिकली जो है ना ट्रेनिंग करने के बाद वो यूज़ करता हूँ, सेब और बनाना यूज़ करता हूँ। अच्छा, मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं, तो उससे आपकी जो कैलरी जो बर्न होती है वो जल्दी पूरी हो जाती है? हाँ, उसके साथ बंदा इजी हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, कि उसको लगता है कि मैंने जो अपना बर्न कर गया हूँ ना जिम में, वो मैंने दोबारा फिर जो है ना पावर अपनी उसकी रिकवरी हो जाती है। जी बिल्कुल। चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप पाकिस्तान के एक सुपरस्टार बन जाएं, और शान पाकिस्तान प्रोग्राम में आपको आने पे वेलकम किया। अब आपको नेक दुआ के साथ रुख्सत करते हैं। एक मेरे साथ नारा बुलंद करें, पाकिस्तान जिंदाबाद।